आरती जी इसको मिलाने का हुनर होता है, ना है। और वहाँ तो हे गाइस कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आरती के टॉपिक पर। आरती के मतलब कि जो नीचे की सीढ़ियाँ होती हैं वो टूट गई थी आंधी तूफान में। तो किस तरह से दोनों मेहनत करके, समझ रहे हो ना, दोनों मेहनत कर रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। और देखो आरती भी बेचारी हमारी लगी पड़ी रहती है और देख ही सकते हो। वीडियो चालू करते हैं। हुनर ना है। और वहाँ पे ईटा में और यहाँ पीटा में, यहाँ से ढलाई होगा वहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे जो है ये, तो गाइस इसको कहते हैं कि मेहनत करने वाला शख्स कभी हार नहीं मानता है। पर आरती को बहुत से लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये नहीं समझते वो किसी लड़की को बोल रहे हैं, ये किस शख्स को बोल रहे हैं। उसने इतना संघर्ष किया है अपने जीवन में, आप तो करते करते डर जाओगे सच की लड़ाई लड़ने से। क्या कहते हैं आजकल लोग सच नहीं बोलते, इतना झूठ बोल बोल के दुनिया अपने मतलब कि अपना घर परिवार क्या क्या किस किस से झूठ बोल जाते हैं। पर वो अकेली लड़की सच पर लड़ रही है और सच की लड़ाई लड़ रही है, तो हम साथ देने की जगह गलत बोल रहे हैं। शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। शर्म नहीं आ रही है तो कहीं डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। लग रहा होगा कि गलत बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो माफ कर देना। पर ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं ना, इतनी घटिया इतनी छोटी सोच कि उस लड़की को इतना सब कुछ बोल जाते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा कि मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। नेगेटिव कमेंट करके कर क्या लोगे, किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये याद रखना, जीतता वही है जिसके जिसके कहते हैं जिसमें जिसमें काबिलियत हो। क्या कहते हैं हम जैसे लोग, क्या कहते हैं और कुछ वैसे लोग हैं ना जो ऐसी सोच रखते हैं आरती ने ऐसा करा आरती ने वैसा किया, जो उसकी किस्मत में लिखा था वही उसके साथ हुआ है। कोई उसने जानबूझ के नहीं किया, कोई उसने मतलब किसी को नहीं मारा है, उसके साथ तो खुद बुरा हुआ है। उसके माँ बाप छूट गए, उसके प्यार उससे छूट गया और आप लोग मतलब साथ देने की जगह पे उसको मतलब खुश रहने की दुआ की जगह पे बद्दुआ देते रहे हो। इतनी बद्दुआ मत दो, मैं इस चीज़ को बार बार दोहरा रही हूँ, इस बद्दुआ मत दो प्लीज़, किसी को भी मत दिया करो। आरती ही नहीं किसी को भी मत दिया करो। कभी कभी हमारी ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या क्या हो जाता है मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग इंसानियत को कैसे भूल जाते, कैसे अपनी इंसानियत भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसको भी हक है अपने जीने का, अपने जीने का, खाने का, पीने का, घूमने का, कुछ भी। क्या आरती इंसान नहीं है, जानवर है क्या वो? जब आप अपनी मर्जी से जी सकते हो, आप अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकती थी? और कर दी तो किसी का क्या बिगाड़ दिया, आपने पैसा दिया था क्या? गाइस लग रहे होंगे मेरे बोल बुरे या कड़वे, पर सच बात यही है, इंसान को अच्छी बात कभी समझ में नहीं आती और बुरी बात इतनी जल्दी भेजे में घुसती है ना रॉकेट की तरह। तो गाइस यही कहना चाहती हूँ, गलत मत बोलो, गलत कमेंट जो भी करेगा मैं रिमूव कर दूंगी। अगर आपको किसी भी नीड की किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो ये मेरा मतलब कि ये यूट्यूब का भी ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ मैंने अपना नंबर डाल रखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर आपका वीडियो वायरल ही हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। करते हैं वीडियो स्टॉप, आज का टॉपिक यहीं तक था।